कोई नोटिफिकेशन आपके पास है तो वो दिखा दे कि किस कमेटी। सुन ले यार, सुन तो ले, ऊंचा बोलने से मसला हल नहीं होगा रिजवान अजीज साहब। अगर आपके पास कोई नोटिफिकेशन है, सुन ले जरा, सुन ले यार, सुन ले जरा, अगर आपके पास कोई नोटिफिकेशन है असद कैसर का और प्रवेश हटक का तो जरा वो भी दिखा दे। अगर आपके पास कोई नोटिफिकेशन है, कोई ऐसा नोटिफिकेशन नहीं है पहली बात। अब मैं फिर आपसे मजाक कर रहा हूँ, आप सुन तो लेना यार भैया, पहले बात सुनेंगे तो बात आगे चलेगी ना। अगर आपने बात ही नहीं सुननी, अपनी कहानी सुनानी तो फिर सुनाने। एक तरफ रिजवान रिजी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। रिजवान रिजी साहब, जो अब आज़ाद तरीन सूरत हाल है, यकीनी तौर पर आप इससे आगाह हैं कि समात मुलतवी हो गई है। पीटीआई वफ्द जो है वो ये कहता है कि हम संजीदा हैं, हम आज भी बैठे हैं, जिसने मुज़ाकरात करने हैं वो करें। आपको नहीं लगता कि जो मौकफ दिया जा रहा है अटर्नी जनरल की जानिब से, कल की अगर आप जो है जिस तरह से ऐवान की कार्रवाई चली और उसके बाद आज जो मौकफ सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा गया, तो आपको नहीं लगता कि इसमें कुछ जो है वो डिफरेंस है और वो मौकफ नहीं है कल जो ऐवान में मौकफ था? देखिए, ये तो आपने और सलमान रावत साहब ने जायजा लेना है कि ये मौकफ वो नहीं है या नहीं है। मैंने जो जायजा लेना है वो ये लेना है कि पीटीआई इन मुज़ाकरात के हवाले से कितनी संजीदा है। पीटीआई अब तक तीन कमेटियां बना के तोड़ चुकी है, तीसरी कमेटी अब उनकी मैदान के अंदर है। पहली कमेटी उन्होंने एजाज चौधरी और महमूद रशीद साहब की सरबराही में बनाई और मैं उसने कहा कि हम मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं। मैं सिराजुल हक साहब वाली कमेटी की बात कर रहा हूँ। दूसरी कमेटी असद कैसर की सदारत के अंदर बनी, असद कैसर का राबता हुआ, उसने कहा हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब ने उनको उनकी ओहदे से फारग कर दिया। पूरा सच बोला करें ना। उसके बाद अपनी तीसरी खुद साधा कमेटी के सामने आई है, इसको पूरा मैंडेट हासिल है, ये मुज़ाकरात करेगी। तो कमेटी कोई एक बने पीटीआई की, तो अपोजिशन को अपनी कमेटी दे और मुज़ाकरात शुरू हो। तो साहब ने ये गन पॉइंट पे कहना कि कल तक मुज़ाकरात कंक्लूड हो जाने चाहिए, वरना हम इसको मानेंगे, ऐसे नहीं होता। सियासी मुज़ाकरात होते हैं। 18वीं तरमीम के ऊपर दो साल जो थी वो कंसल्टेशन चली थी, तो थोड़ा सा इस तरफ भी निगाह डाल लिया जाए। वन साइड ट्रैफिक ना चलाया करें। आप यहाँ पे बैठ के, आप मीडिया में बैठे हुए हैं, दोनों तरफ की बात करनी चाहिए। पीटीआई ने अब तक जो ड्रामा किया है मुज़ाकरात के नाम के ऊपर, और देखिए बात ये है कि आज जो है ना वो पीटीआई के हाजिरों के जज्बात के ऊपर औसत तो पड़ गई होगी। उसकी वजह यह है कि रिटर्न ऑर्डर तो भी आना है, लेकिन चीफ जस्टिस उमर अताब दयाल साहब ने कहा है कि ये मुज़ाकरात अदालत का हुक्म नहीं है, अदालत की तजवीज है। अब मसला ये है कि चूंकि व्हाट्सएप के अंदर हुक्म का लफ्ज आ गया था, तो तमाम तजियाकार इसको हुक्म कह रहे थे, तमाम नाकदीन भी इसको हुक्म समझ रहे थे, और आज हमें पता चला कि चीफ जस्टिस साहब ने हुक्म नहीं किया था, तजवीज दी थी। मुझे ये लगता है कि चीफ जस्टिस साहब भी अपनी पोजीशन से पीछे हटने की कोशिश कर रहे हैं और सियासी जमातें जो हैं उनको पीछे हटने की जगह दे रही है। तो ये दो एक बातें फौरी तौर पे मैं अभी नाश्ता करके फारग हुआ हूँ तो मेरी नजर इधर से गुजरी है। ये बातें मेरे भाई ने बताएंगे क्योंकि तो व्हाट्सएप पे ये आया नहीं था। अच्छा, मैं थोड़ी सी इसकी वो अब जो फ्लैक्स साहब ने बैठ के सुप्रीम कोर्ट के बाहर बोला है, दूसरे का मौकफ नहीं सुनेंगे आप? पहले मौकफ तो सुनेंगे भाई। जमात इस्लामी में सिराजुल हक के साथ रابطہ करना था और ये कोई नोटिफिकेशन आपके पास है तो वो दिखा दे कि किस कमेटी। सुन ले यार, सुन तो ले, ऊंचा बोलने से मसला हल नहीं होगा रिजवान अजीज साहब। अगर आपके पास कोई नोटिफिकेशन है, सुन ले जरा, सुन ले यार, सुन ले जरा, अगर आपके पास कोई नोटिफिकेशन है असद कैसर का और प्रवेश हटक का तो जरा वो भी दिखा दे। अगर आपके पास कोई नोटिफिकेशन है, कोई ऐसा नोटिफिकेशन नहीं है पहली बात। मैं फिर आपसे मजाक कर रहा हूँ, आप सुन तो लेना यार भैया, पहले बात सुनेंगे तो बात आगे चलेगी ना। अगर आपने बात ही नहीं सुननी, अपनी कहानी सुनानी तो फिर सुनाने। एक तरफ आप ये कह देते हैं कि जनाब यकतरफा बोलने का वक्त दिया नहीं, सुने ना आप, एक तरफ कह देते हैं कि यकतरफा ट्रैफिक ना चलाएं। अब जब मैं दो तरफा ट्रैफिक चलाता हूं तो आपको मसला पड़ जाता है।
आपने नोटिफिकेशन पढ़ा ही नहीं है, आपके पास नोटिफिकेशन है नहीं भाई। मैं कह रहा हूँ आपके पास नोटिफिकेशन ही नहीं है। प्रवेश खटक का, असद कैसर का अगर नोटिफिकेशन है तो दिखा दे, अगर आपके पास नोटिफिकेशन है तो दिखा दे, असद कैसर का, प्रवेश खटक का बता दे कहाँ नोटिफिकेशन। बात यह है कि और यह अभी जो अटॉर्नी जनरल गए थे वहां पे और अपना फारूक अजनाइक, उन्होंने ही वक्त मांगा ना दोबारा सियासी जमातों से बातचीत करने के लिए। आज की प्रोसीडिंग तो दोबारा देख लें, वो पंचायत के लिए ही तो गए थे वहां पर, और क्या करने गए थे, वो तो पंचायत है। क्यों जाते हैं आप सियासी फैसले करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के सामने? अटॉर्नी जनरल क्यों पेश हुए हैं कि जी हमें सियासी जमातों से मुजाकरात करने दें? भाई अभी आपने कल पार्लियामेंट में कहा है कि मुजाकरात नहीं होंगे, अभी कल तो आप कल की प्रोसीडिंग सीख ले, देख लेना वो जो स्पीकर का जो खाता है जरा वही पढ़ के देख लें उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, फिर जाके अटॉर्नी जनरल को भेज रहे हैं कि जनाब जाके अदालत से टाइम मांगे क्योंकि हम मुजाकरात करना चाहते हैं। तो खुद भी तो कॉन्ट्राडिक्शन देखिए कि हुकूमत के कॉन्ट्राडिक्शन क्या है। तहरीक इंसाफ का भी गुस्सा निकाले लेकिन साथ साथ हुकूमत का भी मातम कर लें कि हुकूमत खुद कहां खड़ी है। ठीक, वो कभी चेयरमैन सेनेट को आगे कर देती है, खुद आके बताने के लिए तैयार नहीं है, और अटॉर्नी जनरल को भेज देती है जाके जनाब आप जाके अदालत से वक्त मांगे, हम सियासी तरीके से हल निकालना चाहते हैं। उधर से कहते हैं कि हम सियासी तरीके से फैसला करना नहीं चाहते। तो बात यह है कि जो चीजें हैं रिकॉर्ड के मुताबिक उसको भी दुरुस्त कर लें कि रिकॉर्ड क्या कह रहा है। मैं आपको फिर चैलेंज करता हूं, आपके पास कोई नोटिफिकेशन परवेश खटक का और असद कैसर का है तो वो दिखा दीजिएगा। कोई नोटिफिकेशन नहीं है उनका, आपने कहा जी कमेटी बना दी थी उन्होंने,